जय श्री राम भैया। तो आज हम देखने वाले हैं माशियो गास्पेरेडो का रोटावेटर। ठीक है, तो 10 फीट का रोटावेटर है भैया, है ना। तो इसके बारे में अपन पूरी जानकारी लेंगे, कितनी पूरी लंबाई है, वर्किंग विड्थ क्या है, क्या क्वालिटी है, क्या ब्लेड का मटेरियल है, रोटावेटर का मटेरियल कैसा है ना, सारी चीज़ें अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसकी प्लेट जो लगी हुई आती है ना। तो रोटावेटर के बारे में कंपनी से ये प्लेट लगी हुई रहती है भैया, इस पर पूरी जानकारी रहती है। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट है रोटरी टिलर, ठीक है, रोटावेटर भी जिसको बोल देते हैं। ये जायरोवेटर नहीं है भैया, ये रोटावेटर है। ठीक है, और इसका जो मॉडल नेम है, मॉडल नेम है विराट 305, यानी कि 305। ठीक है, विराट 305। ठीक है, साइज़ इसकी बता रखी है, एमएम में बता रखी है भाई, इसमें मीटर में बता रखी है। ठीक है, 0.473 × 2.963। ठीक है, सीरियल नंबर वगैरह। और इसका जो वज़न है भाई, वज़न है इसका 7 क्विंटल 20 किलो, 7 क्विंटल 20 किलो का रोटावेटर है भाई, बहुत भारी रोटावेटर है। ठीक है, और पीटीओ स्पीड जो इसमें दे रखी है, यानी कि 540 है ना, 540, यानी कि जैसे कि 750 हुआ, 1000 RPM हुआ, तो उस पर आपको ये हैवी इम्प्लीमेंट जो है नहीं चलाना है। इसको चलाने के लिए आपको 540 वाली पीटीओ स्पीड ही यूज़ करना है। ठीक है भाइयों, अब इसमें कौन सा ट्रैक्टर इसको चलाएगा, है ना, ये देखने वाली बात हो। तो बहुत सारे अपने भाई लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि मैक्सिमम पीटीओ पावर, पीटीओ पावर अलग चीज़ है और ट्रैक्टर का हॉर्स पावर अलग चीज़ है। ठीक है भाइयों, तो मैक्सिमम पीटीओ पावर इसमें दे रखी है किलोवाट और एचपी में। ठीक है, तो इसका जो रिक्वायरमेंट है भाइयों 90 HP, 67 से लगा के तो 90 HP तक, यानी कि जिस ट्रैक्टर की पीटीओ पावर 67 HP के लगभग है ना, यानी कि यूँ समझ लो कि करीब करीब 75 से 80 HP तक का जो ट्रैक्टर है वो ही इसको चलाने के लिए सक्षम है, ऐसा कंपनी का बोलना है। ठीक है भाइयों, मॉडल 2024 है। ठीक, और पीटीओ से चली थे। ठीक है भाई, तो ये इसमें सारी प्लेट दे रखी है, पूरी ऑथेंटिक इसकी प्लेट है। अब नट बोल्ट अपन देख रहे हैं इसमें कि जो इसका जो नट बोल्ट की जो साइज़ है वो 10.9 है ना, सब बहुत हेवी रहता है भाई इसमें। तो 19 नंबर नट बोल्ट का अधिकतर इसमें उपयोग करा है। आयल का जो है गेयरबॉक्स बेयरिंग वाला आयल यहाँ दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर आयल अपन चेक कर सकते हैं। तो देखेंगे अपन 10 फीट के इस महारोटावेटर को, देख सकते हैं अपन, बहुत बड़ा है भैया ये। इसकी पूरी साइज़ कितनी है और इसकी वर्किंग साइज़ कितनी है, ये भी अपन नाप के देखेंगे। उसके पहले अपन इसको देख लेते हैं पूरा, काफ़ी हेवी बना रखा है भैया, है ना। और इसी के मतलब मेशो के जो दूसरे रोटावेटर आते हैं छोटे, उसमें और इसमें फ़र्क क्या है, पूरा जो मटेरियल है पूरा चेंज है इसका, मतलब फरमाई चेंज है भैया, हर चीज़ हेवी दे रखी है 10 फीट के रोटावेटर के हिसाब से, है ना। वेल्डिंग अपन देख सकते हैं, सारी वेल्डिंग्स बिल्कुल रोबोटिक वेल्डिंग है भैया, है ना, इंसान के हाथों से वेल्डिंग नहीं होती है, ये बिल्कुल मशीन से वेल्डिंग होती है। थिकनेस अपन देख सकते हैं, इसके जो ये राफ्टर लगे हैं डबल राफ्टर लगे हैं, एक यहाँ, ठीक है, और दो इधर, चार। तो जाहिर है कि लंबाई ज़्यादा है तो सपोर्ट के लिए 4 राफ्टर लगे हैं, है ना। टापलिंग को, लोअर लिंक को फाड़ने के लिए, लगाने के लिए हेवी यहाँ पर कान दे रखे हैं, देख सकते हैं अपन, काफ़ी थिकनेस है इसकी। ठीक है, और ये जो मैं देख रहा हूँ झोपड़ी है ना, इसकी बनावट कुछ अलग है भाई, यानी कि दूसरे रोटावेटर में यहाँ खाली चद्दर लगा हुआ रहता है इस टाइप से, लेकिन इसमें क्या है कि पूरा ये इतना मोटा मोल्ड करा हुआ है ना, वहाँ तक है ना, वहाँ तक इसमें पूरा ये डबल चद्दर दिया है भैया। और कंपनी ऐसा बताती है भैया कि इस रोटावेटर में जहाँ जहाँ मिट्टी टच होती है ना, जब चलता है तो जहाँ जहाँ मिट्टी टच होती है वो सारा मटेरियल बोरोन स्टील का होता है भैया। ठीक है, और पूरे पेज पे पाउडर कोटेड है, मतलब ये जो कलर है ना ये बिल्कुल पाउडर कोटेड है, पहले इसको पाउडर से करते हैं, कोटेड करते हैं, उसके बाद इस पर कलर करते हैं। हर चीज़ पे कंपनी का नाम छपा है भैया, मेशियो, देख सकते हैं, है ना। तो हर चीज़ हेवी लग रही है। अब अपन बात करते हैं इसकी ब्लेडों की, तो इसमें भैया जो है ना ब्लेडों की जो संख्या है, ब्लेडों की संख्या दे रखी है 76। ठीक है, 76 है, तीन तीन जो ब्लेडें हैं
साइड में लगी है, जिनका कि जो सेटलमेंट है वो अंदर साइड है ना, ऐसे बाहर साइड नहीं। बहुत सारे रोटेटर में बाहर साइड रहता है इस प्लेट की तरफ, इसमें अंदर साइड है, ठीक है। तो इससे क्या है कि बहुत मजबूती आ जाती है। अब मेशो के रोटेटर में सबसे मेन खासियत क्या रहती है भाइयों, कि ये जो बोल्ट रहते हैं ना, ये 19 नंबर लग रहे हैं मेरे को, और जैसे ये दो बोल्ट प्लेट को, अब इन दो बोल्ट पे प्लेट लगी है, और इस प्लेट की सपोर्ट के लिए, यानी कि इस ब्लेड की सपोर्ट के लिए एक बोल्ट एक्स्ट्रा लगा हुआ है भैया, देख सकते हैं भैया बीच में, ये है ना, ये दोनों तरफ लगे हैं, है ना, इसमें ब्लेड लगी है दोनों बोल्ट में, और एक ये बोल्ट रखा है ये सपोर्ट के लिए। मान लिया जाए कि किसी वजह से ये बोल्ट दोनों में से एक बोल्ट टूटता है ना, तो रोटेटर ऐसे चलेगा, तो ये ब्लेड का जो है झुकाव ऐसे रहेगा, तो ये जो बोल्ट है ना ये बहुत काम करेगा भैया, सेफ्टी नेट कह सकते हैं अपन इसको, ये बिल्कुल इसको पकड़ के रखेगा, है ना, उधर घुसने नहीं देगा, यानी कि दूसरे नुकसान से अपन बच सकते हैं। 19 नंबर बोल्ट है सारे, और 10.9 जो है इनकी वो क्या कह सकते हैं रीडिंग, मतलब इससे क्या होता है कि अपन पहचान सकते हैं 10.9, यानी कि ये है कि इसकी जो थिकनेस है ना, इसकी मजबूती को दर्शाता है ये नंबर, है ना, इससे कम भी रहते हैं ज़्यादा भी रहते हैं। ब्लेड बिल्कुल हर एक ब्लेड पे आपको मेशो कंपनी का नाम लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। थिकनेस बहुत बढ़िया है, ब्लेड की थिकनेस अपन देख सकते हैं बहुत अच्छी है ना, और सर्विस बहुत लंबी है भाइयों। कंपनी वाले बताते हैं कि जो ये ब्लेड है ना, इसको जब बनाते हैं तो इसको हाई टेम्परेचर पे, यानी कि करीब करीब 700 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म करके फिर इसको पकाया जाता है, उसके बाद इसको मोल्ड किया जाता है, इतनी ज़्यादा हेवी इसको बनाते हैं। अब इसकी एक खासियत और ये है भाइयों, कि जैसे कि बहुत सारे किसानों की मानसिकता रहती है, अपन भी उस चीज़ को समझते हैं, जैसे जब ये चलता है ना खेत में, जब चलता है तो बहुत सारे रोटावेटर में ये होता है कि जैसे दूसरी कंपनी के उसमें क्या होता है, जैसे रोटावेटर चलता है ना, ब्लेड चलती है, तो जो नीचे की ज़मीन रहती है, यानी कि टगर के नीचे है ना, गहराई में जो जब जहाँ पे जाके टकराती है जमीन मिट्टी पे, तो वहाँ पे क्या है कि बिल्कुल इसको प्रेस कर देती है, मतलब मिट्टी यूँ कह सकते हैं कि टिपा जाती है बिल्कुल, ठीक है, प्रेस कर देती है। तो इस वाले रोटावेटर में, यानी कि इस ब्लेड में, वो शिकायत आपको नहीं आएगी। उसका कारण क्या है कि जैसे कि इसका जो कर्व दे रखा है ना भाइयों, ये ब्लेड है, इसका जो ये वाला हिस्सा है ज़मीन पे, सिर्फ ये वाला ही हिस्सा लगेगा, ये वाला नहीं लगेगा, है ना, ये से ऊपर होके निकल जाएगा मतलब, तो वो जो टिपाने वाली जो बीमारी है ना, है ना, वो समस्या प्रेस होने वाली, वो इसमें इस रोटेटर में नहीं आएगी, ठीक है। इसकी जो मेन शाफ्ट है, सेंटर शाफ्ट जो है, ठीक है, उसकी जो थिकनेस वो 90 mm है, ठीक है, 90 mm करीब इसकी जो है थिकनेस है, बहुत हेवी दे रखी है भैया। और ब्लेडों की जो संख्या है वो 76 ब्लेड लगी है इसमें। अंदर से अपन देख सकते हैं इसकी बनावट काफ़ी मजबूत और जगह काफ़ी दे रखी है भैया। ये जो है तान यहाँ से एडजस्ट हो जाएगी, अपन जैसे कि इसमें कितनी गहराई देना है, कितने ऊपर लेना है, इसको यहाँ से अपन सेट कर सकते हैं ना, कुल मिला के ये कंट्रोलर है दोनों तरफ। इसका जो इसकी जो झोपड़ी है ना, वो बिल्कुल अलग टाइप से दे रखी है भैया, है ना, वो प्लेट वाली नहीं है, इसमें बिल्कुल स्टैंड नुमा दे रखा है। इसका कारण क्या है कि स्वाभाविक है कि 10 फीट लंबा रोटावेटर है ना, तो बैलेंस नहीं बिगड़े, ये ऐसे 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 बैलेंस नहीं बिगड़े, उसके लिए इसका जो ये झोपड़ी वाला जो सिस्टम है ये बिल्कुल अलग दे रखा है ना, इससे क्या है कि बिल्कुल बैलेंस में चलेगा, ये बबलिंग नहीं करेगा, ठीक है। गियर बॉक्स अपन यहाँ देख सकते हैं रोटावेटर के राइट साइड में, इसका गियर बॉक्स दिया है साइड वाला, ठीक है, मेन गियर बॉक्स वहाँ से आ रहा है इसका ड्राइव, और इसको यहाँ पे साइड में दे रखा है, बहुत हेवी है, साइड में स्टैंड दे रखा है। एक प्लेट इन्होंने यहाँ लगाई है, इसका काम ये है भैया के जो साइड में है ना, जो एक एक जैसे रोटावेटर अपन चला जाते साइड में, जैसे ऊँची ऊँची जो कैरी बन जाती है ना, पाली जो बन जाती है ऊंची ऊंची, उसको ये कंट्रोल करेगा, है ना, वो गड्ढा भी नहीं होने देगा। पीछे से इसकी बनावट देख सकते हैं अपन। अब इसमें अपन देख रहे हैं भैया कि ये जो चद्दर है, पहली बात तो ये कि चद्दर बहुत हेवी है, ठीक है, और चद्दर को दो पार्ट में दिया है, देख सकते हैं यहाँ से, इधर का पार्ट अलग है और इधर का पार्ट अलग है। इस पार्ट के लिए दो जो है शाकअप इधर दे रखे हैं, दो शाकअप उधर दे रखे हैं, तो बढ़िया कंट्रोल करेगा। गियर बक्से की अगर अपन बात करें तो काफ़ी बड़ा गियर बक्सा लग रहा है भाइयों, और बहुत हेवी भी है, ठीक है,
देख सकते हैं भाई, तो बहुत मजबूत है भाइयों, 10 फीट बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए क्या है कि ट्रैक्टर भी बड़ा होना चाहिए, कम से कम 75 HP के ऊपर ट्रैक्टर हॉर्स पावर और 65 HP का PTO पावर उसमें होना चाहिए, वही ट्रैक्टर इसको चला पाएगा। ठीक है, कंपनी से ही चार्ट दे रखा है भैया, अब इसको देख के अपन इसके जो राउंड है वो अपन सेट कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि ये जैसे इनपुट जो शाफ्ट है वो ए, यानी कि जो ट्रैक्टर में से शाफ्ट आ रही ना वो उसको ए बोलते हैं, मतलब ए उसको बोलते हैं, और बी ये जो अपना पिनियन वाला यानी कि रोटावेटर वाला। तो ये गियर के नंबर दे रखे हैं भैया, ठीक है, जिस नंबर का गियर अपन ए में डालेंगे, ठीक है, जैसे भी आपको राउंड चाहिए 540, 750, 1000। हालांकि ये जो दो है इतने बड़े रोटावेटर पे ये दो तो यूज़ करना ही नहीं चाहिए भैया, क्योंकि बहुत ज़्यादा राउंड हो जाते हैं, उसमें ट्रैक्टर का नुकसान होने का डर रहता है भैया, ठीक है ना। तो अपने काम की ये है 540, ठीक है, ये वाले आप। अब अपने को जितने भी राउंड चाहिए है ना, जितने भी राउंड चाहिए अपन दोनों ड्राइव में उस नंबर की गिरारी लगा के ये राउंड अपन ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कम मतलब एक नॉर्मल स्पीड पे, यानी कि ट्रैक्टर का जो इंजन रेटेड RPM रहता है ना भाई, जैसे कि किसी का 2000 रहता है, किसी का 1800, किसी का 2200, तो उसके 30 से 35% डाउन, यानी कि मान लिया जाए कि किसी ट्रैक्टर का जो RPM है इंजन रेटेड RPM 2000 है, तो उसका 30 या 35% अपन अगर करेंगे तो करीब करीब 1300-1350 RPM के आसपास करीब करीब 190 से लगा के तो 210 राउंड आ जाना चाहिए। तो उस हिसाब से अपन को यहाँ से ये सेटिंग देख लेना चाहिए, तो 190 से लगा के तो 213 है ना, इतने राउंड आ जाना चाहिए। तो फिलहाल मेरे हिसाब से 18 और 19 नंबर की जो गिरारी है जो 540 पे 213 राउंड दे देगा, ये जो है बढ़िया आपका काम करेगा। ठीक है भैया, एक बार अपन इसकी पूरी लंबाई और इसकी वर्किंग विड्थ है ना, यानी कि ये इसकी लंबाई पूरी रोटावेटर की लंबाई क्या है और ये काम कितने फीट में करेगा ये भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इसकी पूरी लंबाई वाली जो है दूरी देख लेते हैं, यहाँ से अपन लगाते हैं। तो यहाँ तक, ठीक है, तो इसमें आ रहा है भैयों यूँ समझ लोगे 10 फीट और 4.5 इंच करीब करीब है ना। तो इसको क्या है अपन ने ये वाली जो एडजस्टर है ना यहाँ से लिया है अपन ने, तो कह सकते हैं कि 10 फीट इसका जो है पूरा लंबाई है भैया। ठीक है, अब ब्लेड यानी कि अंदर से अंदर ये कितना काम करेगा वो अपन देख लेते हैं, वहाँ पे ब्लेड पे अपन ने लगा दिए। ठीक है, अब ये इसकी वर्किंग विड्थ क्या है वो अपन देख लेते हैं। टेप जो है उल्टी लग गई, ये करेगा भैया 9 फीट और 6 इंच। ठीक है, ये अपन ऐसे देख सकते हैं 9 फीट 6 इंच, यानी कि 9.5 फीट ये कटिंग करेगा भैया अंदर से अंदर। वर्किंग विड्थ जो है इसकी 9.5 फीट है और इसकी पूरी जो लंबाई है वो करीब करीब 10 फीट के थोड़ा सा ऊपर है ना, देख सकते हैं अपन। तो बड़े ट्रैक्टर के लिए, बड़े काम के लिए इस रोटावेटर को बनाया गया है भैया, है ना। ठीक है भैया, तो जैसी भी वीडियो लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।